हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, कर्नाटका स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में अदर स्टेट का 15% कोटा होता है। यहां पर एमबीबीएस कोर्स की फीस तो 9 लाख रुपए पर ईयर है, मगर अदर स्टेट कैंडिडेट को अगर उनके स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज पर गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है तो यहाँ एडमिशन को प्रायोरिटी देते हैं। इसी कारण इन मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ से मात्र 30 मार्क्स ही कम रहती है। इस स्टेट में एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन के लिए फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मोपअप राउंड की काउंसलिंग केईए यानी कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी द्वारा करवाई जाती है। इन तीनों राउंड में सीट वैकेंट रहने के बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग कॉलेज द्वारा करवाई जाती है। केईए के अभी तक के रूल के अकॉर्डिंग मोपअप राउंड तक अगर कोई स्टूडेंट सीट सरेंडर करता है तो 10,000 की पेनल्टी के साथ वह सीट छोड़ सकता है। इसके चलते सीट ब्लॉकिंग स्कैंडल बढ़ता जा रहा है। ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट कट ऑफ के बाउंड्री लेवल पर होता है उनके मार्क्स अच्छे होते हैं और वो ड्रॉप लेना चाहते हैं तो दलाल इन स्टूडेंट को 1-2 लाख रुपये का प्रलोभन देकर मोपअप राउंड में सीट अलॉट करवा लेते हैं इनके नाम से और उसके बाद में पेनल्टी भरकर उस सीट को छोड़ देते हैं। मोपअप राउंड के बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड कॉलेज द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इन दलालों की कॉलेज से मैनेजमेंट से सेटिंग रहती है और वैकेंट सीट पर वो अच्छे खासे पैसे लेकर कम मेरिट वाले स्टूडेंट का एडमिशन करवा देते हैं। पिछले वर्ष के 2 कॉलेजों के इस प्रकार के सीट ब्लॉकिंग का मैटर सामने आया था। इस प्रकार के सीट ब्लॉकिंग सिस्टम से मेरिटोरियस स्टूडेंट सीट से वंचित रह जाते हैं और कम मार्क्स वाले स्टूडेंट को सीट मिल जाती है। पिछला रिकॉर्ड देखें तो जो मेडिकल की एमबीबीएस की सीट छोड़ी थी स्टूडेंट ने, 2019-20 में 276 स्टूडेंट ने ये सीट छोड़ी थी। 2018-19 में 207 कैंडिडेट ने सीट छोड़ी है। 2017-18 में 233 कैंडिडेट ने, 16-17 में 3 कैंडिडेट ने और 15-16 में 68 कैंडिडेट ने सीट छोड़ी है। इनमें कुछ ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जेन्यून रीजन से सीट छोड़ते हैं, जैसे उनको अपने स्टेट के गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन मिल जाने के कारण सीट छोड़ देते हैं, मगर ज़्यादातर स्टूडेंट सीट ब्लॉकिंग वाले ही होते हैं। जो वहाँ की यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जिसके अंडर कर्नाटका के सारे मेडिकल कॉलेज आते हैं, उसके द्वारा जो डीएमई है उसको रिपोर्ट भेजी गई है। उसमें कहा गया है कि इस स्कैम को रोकने के लिए कुछ उपाय किए जाने चाहिए। इसमें यह सजेस्ट किया गया है कि एमबीबीएस की मोपअप राउंड के बाद अगर कोई स्टूडेंट सीट सरेंडर करता है तो उसकी पेनल्टी 25 लाख रुपए होनी चाहिए। डीएमई के डायरेक्टर डॉक्टर पीजी ग्रिस का कहना है कि फर्स्ट राउंड में सीट सरेंडर के रूल में चेंजिंग होगी, ये रूल चेंज किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये उन स्टूडेंट के लिए खुशी की बात है जो कर्नाटका में एडमिशन लेना चाहते हैं। इस साल से एडमिशन रूल चेंज होंगे जिससे सीट ब्लॉकिंग सिस्टम बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी थी कर्नाटका के एडमिशन रूल चेंज के बारे में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।